हेलो विद्यार्थीगण, आज हम लोग सापेक्षिक वेग पर आधारित प्रश्न को हम बताएंगे। ये बहुत रोचक और कंसेप्चुअल है। अगर कंसेप्ट को मालूम रहेगा तभी ये बने। जैसे हम सापेक्षिक वेग पढ़ा चुके हैं, उसी सापेक्षिक वेग के आधार पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चनों को डील करना है। तो देखिए तो बाबू, कह रहा है कि वर्षा की बूंदे 22 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वर्षा की बूंदे 22 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वर्षा की बूंदे 22 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर गिर रही है। बताएं कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलता हुआ एक आदमी अपने को बचाने के लिए अपने छाते को किस कोण पर रखेगा। आप खुद देखते हैं, जब कभी बारिश में जाते हैं तो अपने छाते के साइज पर बनाते हैं कि हम किस समय वर्षा के बूंदों से बचेंगे। तो वहाँ पर बेटा दो वेग हो जाता है। एक खुद अगर आप बारिश में जाते हैं तो खुद आपका वेग और एक बारिश का वेग होता है। तो चूंकि कोई भी मनुष्य जब छाता लेता है तो मनुष्य वर्षा की बूंदों से बचना चाहता है। किससे महत्वपूर्ण होता है? वर्षा की बूंदों से बचना चाहता है। इसलिए अगर हम छाते को अपने रखते हैं तो वर्षा के बूंदों का सापेक्षिक वेग हम आदमी के सापेक्ष कर लेते हैं, तब हमको वहाँ पर गुंजाइश बनती है। थोड़ा देखिए कैसे ये होता है। यहाँ पर देखिए, ओ बिंदु से, यहाँ पर देख लीजिए दो गो वेग हैं। आप ये मीटर प्रति सेकंड में है और आदमी का जो वेग है वह किलोमीटर प्रति सेकंड है, नहीं किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले हम क्या करेंगे कि आदमी के वेग को मीटर प्रति सेकंड के वेग में हम चेंज करते हैं। हाल चूंकि आदमी का वेग बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 1000। अब बटा में कितना करेंगे, 60 गुणे 60, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आइए कट जाएगा, इससे ये कट गया, 3 दूनी 6 हो गया और 2 पाँच 10 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 5/6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें डायग्राम बनाते हैं। तो सापेक्षिक वेग में बाबू आपको बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है कि सापेक्षिक वेग के सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम करते क्या हैं, कि इसमें जिस चीज़ का सापेक्षिक वेग ज्ञात करना रहता है उसके वेग में से हम क्या कहते हैं, सामने वाला को वेग को हम घटा देंगे। यहाँ से देखिए, कह रहा है कि वर्षा की बूंदें 22 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर रूप में गिर रही है। तो देखो, ये ओए जो लाइन है यहाँ से हमने लिया है, ओए जो बेटा लाइन है ये कितना है, 22 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, वर्षा के बूंदों का, वर्षा के बूंदों का वास्तविक वेग है। क्या है,
वर्षा के बूंदों का वास्तविक वेग है। ठीक, अब मनुष्य ये ऊर्ध्वाधर रूप में गिर रहा है, क्या है, और मनुष्य किस पर चलता है, क्षैतिज चलता है, जैसे हम चल रहे हैं ना, जैसे देखिए हम चल रहे हैं, हम क्षैतिज पर पृथ्वी पर चल रहे हैं, ठीक, लेकिन हमारा जो ऊपर का धड़ है ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रूप से वर्षा इस तरह गिर रही है। तो मनुष्य का चाल कितना ले लीजिए, मनुष्य का चाल वो भी दिशा में मनुष्य चल रहा है, ये कितना जा रहा है, 5/6 मीटर प्रति सेकंड है, क्या है, इतना ही प्रश्न है। तो कह रहा है कि मनुष्य जब अपने छाता को लगाएगा, देखो जब आपका जब पृथ्वी पर ऊपर चलेंगे तो कैसे होगा, इस तरह से डायरेक्शन में, मनुष्य इधर जा रहा है और वर्षा की बूंदे क्या रहे, इस साइड में गिर रहे। अब हम छाता को लगाना है तो वहां पर मनुष्य को क्या करना है, आदमी क्या करेगा, वर्षा की बूंदों से बचेगा, इसलिए हमको वो डायग्राम तैयार करना है कि वर्षा के बूंदों का सापेक्षिक वेग आदमी के सापेक्ष होना। तब वर्षा के बूंदों का सापेक्षिक वेग ज्ञात करना है, तब वर्षा के बूंदों के वेग में से हमको क्या करना है, आदमी का वेग घटाना है। ये क्या है, आदमी का वास्तविक वेग है, आदमी का यह वास्तविक वेग है। अब हमको अगर इस वर्षा के बूंदों का सापेक्षिक वेग आदमी के सापेक्ष ज्ञात करना होगा तो क्या करना होगा, बेटा हमको करना होगा वर्षा के बूंदों को वेग में से हमको आदमी का वेग क्या करना है, घटाना होगा, वो भी किस माइंड्स के, वेक्टर प्रोडक्ट के द्वारा, कि वेक्टर द्वारा हम कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें से इसको घटाना होगा तो ये लाइन माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। अगर हम किसी चीज में से जैसे 5 में से 4 को घटा दें तो हम कैसे करते हैं, 5 माइनस 4 करते हैं, उसी तरह इसमें से जब इसको घटाएंगे तो इस चीज़ को हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और माइनस करने का तरीका यह है कि ओ बी इस साइड में है तो ओ बी के बराबर विपरीत दिशा में हम क्या करेंगे, इस साइड में खींचेंगे। और थोड़ा जब न्यूमेरिकल हल कीजिएगा तो उसके कंसेप्ट को थोड़ा देखिएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, ओ बी लाइन के बराबर और विपरीत दिशा में, ओ बी लाइन के बराबर और विपरीत दिशा में, ओ बी लाइन के बराबर और विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं, ओसी रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे, ओसी रेखा जो खींचेंगे, थोड़ा बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा, अब लगता है कि ठीक है, ओसी रेखा खींचेंगे ओबी के बराबर और विपरीत दिशा में, तो ये कितना हो जाएगा, -5/6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ओसी और ओए को समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजा मानकर, ओए और ओसी को समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजा मानकर समानांतर चतुर्भुज खींचेंगे तब बेटा तो ये लाइन ऐसे हो जाएगा, इसके समानांतर और इसके समानांतर ये रेखा जब खींचेंगे तो हमारा ये फंक्शन हो जाएगा, देख रहे हैं, ओसी के बराबर। अब क्या हुआ, इसका जो विकर्ण होगा वह क्या होगा, सापेक्षिक वेग का मान देगा। तो इसका विकर्ण कैसे जाएगा, इस साइड भी से इसका विकर्ण जाएगा, देखिए इसका विकर्ण, देखिए
विकर्ण गया, अविकर्ण जब गया तो ये लाइन कहाँ से हो जाएगा, ये तीर ऐसे होगा, समांतर चतुर्भुज बन गया। और इसी लाइन पर क्या करेंगे, इसी लाइन पर जब छाता को रखा जाता है, इसी लाइन पर जब छाता को रखा जाएगा और छाता का चित्र बना दीजिए, इसी लाइन पर जब छाता को रखा जाएगा, इसी कोण पर जब थीटा को रखा जाएगा, आ यही थीटा, और इसी थीटा का मान हमको क्या करना है, निकालना है। इसी जब थीटा का हम मान निकालेंगे, ये ओडी हो गया। और ओडी रेखा क्या है, ओडी जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है वह कैसा लाइन, ये माइनस पाँच बटा छः, तो ये अभी क्या होगा, पाँच बटा छः मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और ये जो लाइन है भाई बेटा, ये जो लाइन है वर्षा के बूंदों का सापेक्षिक वेग आदमी के सापेक्ष, इसी थीटा कोण को निकाल लेंगे ना, तो इसी थीटा कोण, तो ये देखो छाता है, ये क्या है, छाता है, इसी कोण थीटा को हम निकालेंगे तो ये कोण निकल जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसी कोण पर जब हम छाता को रखेंगे तो मनुष्य क्या होगा, वर्षा के बूंदों से क्या होगा, बच जाएगा। फिर समझो, ये वर्षा के बूंदे 22 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ओए दिशा में ऊर्ध्वाधर रूप में गिर रही है, और आदमी 5/6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज तल पर जा रहा है। अब आदमी के बराबर और विपरीत दिशा में ओसी रेखा खींचा, ओसी और ओए को समानांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजा मानकर जब समानांतर चतुर्भुज खींचते हैं तो उसका विकर्ण ओडी जो है वर्षा के बूंदों को सापेक्षिक वेग का मान देगा। और ये ओडी रेखा ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ये कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। इसी थीटा कोण को अगर हम निकाल देते हैं तो उसी थीटा कोण पर आदमी छाता को रखेगा, क्योंकि दो वेग है और दोनों को वेग मिलकर एक तीसरा वेग पैदा होता है, वो होता है सापेक्षिक वेग होता है। अब देखिए, समकोण, ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, और थीटा कोण का निकालना है, समकोण त्रिभुज OAD में टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कितना होता है, आधार, टैन थीटा लंब कितना है बाबू, ये थीटा है, थीटा के सामने का लंब कितना हो गया, AD हो गया, AD आधार कितना हो गया, OA आधार हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, OA आधार हो जाएगा। अब हम मान को रखेंगे, टैन थीटा बराबर लंब हो गया AD, लंब कितना है, AD लंब है, तो कितना हो जाएगा, 5/6। OA का मान कितना है, 22 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5/6, और ये 22 बेटा जो के तब क्या होगा, नीचे रह जाएगा, ये 22, तो कितना हो जाएगा, ये तो कोई कटने वाला नहीं है, टैन थीटा बराबर 5/6
132। अब थीटा का मान हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे थीटा, हम इन्वर्स वाला सूत्र को लागू करेंगे। कैसे इन्वर्स वाला सूत्र है, यदि यदि टैन थीटा बराबर एक्स, इसलिए थीटा बराबर कितना होगा टैन इन्वर्स एक्स, तब ये कितना हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर टैन इन्वर्स 5/5 कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। अतः आदमी अतः आदमी वर्षा के बूंदों से अतः आदमी वर्षा के बूंदों से बचने के लिए अपने छाते को देखो, ऊर्ध्वाधर लाइन ये है, ऊर्ध्वाधर लाइन क्या है बाबू ये, तो आदमी जब यहाँ खड़ा होगा तो ऊर्ध्वाधर लाइन अब क्या होगा, कोण ऐसे बनेगा, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर रखना होगा, क्या होगा ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण, तो थीटा का मान कितना है टैन इनवर्स 5/5 कितना है 132 है। अतः आदमी वर्षा के बूंदों से बचने के लिए अपने छाते को ऊर्ध्वाधर से टैन इनवर्स 5/132 के अतः आदमी वर्षा के बूंदों से बचने के लिए अपने छाते को ऊर्ध्वाधर से टैन इनवर्स 5/132 के कोण पर कोण पर रखना होगा। तब हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। और देखो बाबू, अब इस पर हम क्या किए हैं, इसी पर तुम लोगों को 2, 3 और 4 होमवर्क दे दिया गया है। और होमवर्क बहुत आसान होगा, जस्ट उसी तरह का फिगर बनेगा, क्या होगा जस्ट उसी तरह का फिगर, उसी के आधार पर 2, 3 और 4 क्वेश्चन है। अगर इसको फिगर बनाने का थोड़ा एक नमूना तुम लोगों को दिखा देते हैं, जैसे मान लो दूसरा है, एक समतल सड़क पर एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर की गति से जा रहा है, यहाँ से चलना चालू किया साइकिल सवार ओ बिंदु से इस तरह से जा रहा है साइकिल सवार, ओ भी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और वर्षा की बूंद क्या है, वर्षा जब इस तरह गिरेगी तो क्या होगा नीचे, जैसे देखो वर्षा बेटा गिरेगी तो ऐसे गिरेगी, और हम कैसे चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं, हम इस तरह से चल रहे हैं और वर्षा की बूंद क्या होगा ऐसे गिर रही, तो ये जो है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से क्या गिर रहा है, ये 30 किलोमीटर पर ओए दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से क्या कर रहा है वर्षा की बूंद गिर रहे, तो ये लाइनअप जो है वो तो यहाँ हो गया, ये जो लाइन है ये क्या है वर्षा के बूंदों का वास्तविक वेग हो गया, क्या हो गया वास्तविक वेग, और ये क्या हो गया आदमी का वास्तविक वेग, चाहे आदमी का वेग भी ले आदमी का वास्तविक वेग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वर्षा के बूंदों को
आदमी को किससे बचना है? वर्षा के बूंदों से बचना है। आदमी को वर्षा के बूंदों से बचना है। तो वर्षा के जब बूंदों से बचना है तो बाबू इस लाइन के उल्टा करेंगे ना, क्योंकि वर्षा के बूंदों का सापेक्षिक व्यास ज्ञात करना है। तो वर्षा के बूंदों को सापेक्षिक वेग में से हमको आदमी का वेग घटाना होगा। तो इसके पहले क्या होना चाहिए? माइनस। माइनस करने के लिए क्या करेंगे? जब ये इस साइड में है तो इसके क्या करेंगे, विपरीत खींचेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस पॉइंट में जाएगा। जब ये खींच देंगे इस तरह, तो ये क्या हो गया, ओसी। ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये देखिए इसके समानांतर ऐसे हो गया, और इसके समानांतर क्या हो गया, ये रेखा हो गई। और तब क्या होगा, अब इस चीज़ को मिला दिया जाए, इसका विकर्ण, विकर्ण मिला दिया जाए। विकर्ण मिलाएंगे तो कैसे होगा, इस तरह हो गया। और इस लाइन को क्या करेंगे, आगा बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, आगा बढ़ा देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, छाता हो जाएगा। ये क्या हो गया, छाता हो गया। आइए कोण थीटा हो गया, तो ये कोण क्या होगा, थीटा। इसी थीटा को, तो ये लाइन अब क्या होगा, ओडी हो जाएगा। आ ये लाइन हो जाएगा वर्षा के बूंदों का, वर्षा के बूंदों का सापेक्षिक वेग आदमी के सापेक्ष। और इसी कोण थीटा को निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज किस में आ जाएगा, समझ रहे हो ना, समकोण त्रिभुज ओ ए डी में, टैन थीटा ओ ए डी में, टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब। इसके लंब हो गया ए डी, ये कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा ओडी, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 10 हो गया सामने का ये वाला। ये तो देखो बेटा, मैग्नीट्यूड में हम माइनस नहीं लेते हैं। जब इस तरह के कोण निकालना होगा तो माइनस क्या करता है, केवल विपरीत चिन्ह को बताता है कि हम इस साइड में हैं तो ये विपरीत है। इस सब क्या होगा, धन होगा। लेते हल करते समय क्या लिया जाता है, धन लिया जाता है। तो एडी का मान कितना हो गया, 10, और ओए का मान कितना हो गया, 30, एक बटा में 3 हो गया। इसलिए थीटा बराबर कितना होगा, टाइन इनवर्स 1/3। हम आशा करते हैं ना कि आप लोग दो क्वेश्चन इसी तरह देख रहे हो, ये एक है देख रहे हो और ये 5 है, तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो गया। ये कितना है, 3 है, और ये क्या है, 22 है, तो कितना हो जाएगा, 3/22 हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों को क्या कीजिएगा, अब ये दूसरा का हमने ये कर दिया कि शायद नहीं समझ में आया होगा तुम लोगों को, तो ये दूसरा कर लीजिएगा, कोई टेंशन की बात आप लोगों को नहीं रहेगी और आप आसानी से कर लीजिएगा उसको, ठीक। आप देखो बाबू, ये 5वां जो क्वेश्चन है उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा उसमें दूसरे तरीके से है। और इसको देखो, सापेक्षिक वेग के जितने भी प्रश्न हैं उसको जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे और जब तक फुल रूप से सापेक्षिक वेग के कंसेप्ट पर हम उसको आधारित नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के सवालों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सापेक्षिक वेग का कंसेप्ट यही है, जब दो वस्तुएं गतिशील हैं और यदि उनके बीच की दूरी यदि समय के साथ लगातार बदल रही है, तो एक पिंड के सापेक्ष
दूसरे पिंड के वेग को हम क्या कहते हैं, सापेक्षी वेग। देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं तुमको, ये तुम लोगों को मालूम होगा कि वहाँ पर दो वस्तु, इसी क्वेश्चन में हम देखो पढ़ रहे हैं, देखो दो चीज़ें गतिशील होगी। एक मनुष्य को जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, वर्षा की बूंदे ऊर्ध्वार्तः गिरती मालूम पड़ती है जब वह अपनी चाल बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, जब वो अपनी चाल बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तब वर्षा की बूंदे उसे ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर मालूम पड़ती है। वर्षा की बूंदों का वेग तथा दिशा ज्ञात करें। क्वेश्चन में मार्केबल है कि मालूम पड़ती है, जहां बेटा मालूम पड़ती है वास्तविक वेग नहीं है, जहां कह रहा है कि मनुष्य 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है वो मनुष्य का वास्तविक वेग है, और बूंदे ऊर्ध्वाधर रूप से गिरती हुई मालूम पड़ती है वह वास्तविक वेग नहीं है, वह क्या है, सापेक्षिक वेग। जहां तर इस तरह के क्वेश्चन में मालूम पड़ती है अगर लिख देता है तो वो जो लाइनअप हुए वो जो चीज होता है वह सापेक्षिक वेग है। जब वो अपनी चाल बढ़ाकर 6 किलोमीटर मनुष्य का जो वास्तविक वेग है अपना डबल करता है तब उस आदमी को क्या आभास हो रहा है कि वर्षा के बूंदे उसे ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर गिरती हुई मालूम पड़ती है। तो जहाँ जहाँ पर गिरती हुई मालूम पड़ती है ना वो क्या होता है, सापेक्षिक वेग होता है। अब हम डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा इस चीज़ को समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग इसमें इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा विशेष लगाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। यहाँ देखिए, थोड़ा यहाँ से हम ले रहे हैं, यहाँ पर तो ये सो समझ लीजिए ये वर्टिकल लाइन है, क्या है, वर्टिकल लाइन है, और ये जो है लाइन ये क्षैतिज, मनुष्य क्या होगा क्षैतिज पर चलेगा, क्या होगा क्षैतिज रेखा पर चलेगा, और वर्षा के बूंदों क्या हो गए, जैसे हम चल रहे हैं क्षैतिज लाइन पर चल रहे हैं और वर्षा के बूंदे क्या हो वर्टिकल गिर रही है। अब देखो यहाँ से अब मनुष्य की चाल, मनुष्य का चाल कितना है ओए दिशा में, हम कहाँ ले रहे हैं ओए दिशा में, ओए दिशा में जो मनुष्य चल रहा है ओए दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है। जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है तो मनुष्य जो है वर्षा की बूंदों कैसे गिरती हुई मालूम पड़ती है, उसी दिशा में वर्षा की बूंदे उसके गिरती हुई मालूम पड़ती है। यह वर्षा के बूंदों का वास्तविक वेग नहीं है, और वर्षा के बूंदों का हम वास्तविक वेग थोड़ा हम ऐसे ले रहे हैं, ये जो लाइनअप है वर्षा के बूंदों का क्या होगा वास्तविक, ये लाइन जो है वो भी लाइन, ये क्या है बेटा वर्षा के बूंदों का वास्तविक वेग है, ये वर्षा के बूंदों का वास्तविक वेग, और वर्षा की बूंद ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर गिर रही है, मान लिया जाए कि कितने कोण पर गिर रही है अल्फा कोण पर गिर, हम इसी का मान निकले वर्षा के बूंदों का वास्तविक वेग निकल रहा है। अब ये जो लाइन है ये बेटा ये लाइन जानते हो क्या है, ये लाइन जो है वर्षा के बूंदों का सापेक्षिक वेग आदमी के सापेक्ष का रेखा है, वर्षा के बूंदों का सापेक्षिक वेग है कौ, ये मालूम पड़ती है
वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर गिरती हुई मालूम पड़ती, उसी दिशा में कौन लाइन अप है, ऊर्ध्वाधर लाइन। ये आदमी का वेग हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आदमी का वास्तविक वेग, जो कर रहे हो वास्तविक तो ले लो, आदमी का वास्तविक वेग, ये आदमी का वास्तविक वेग है, ये वर्षा के बूंदों का वास्तविक। तो यहाँ पर ये अभी मत सोच लेंगे वर्षा के बूंदों का वास्तविक वेग है, कैसे नहीं है, ये लाइन अप कर रहा है कि एक मनुष्य जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है, वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर गिरती हुई मालूम पड़ती है, ये जो लाइन ओसी है वो गिरती हुई गिर नहीं रही है, गिरती हुई मालूम पड़ती है। किसी भी प्रश्न में जब गिरती हुई मालूम पड़ती इत्यादि जब कहे तो इतना समझ लीजिए कि वास्तविक वेग न है, कर वह कैसा वेग है, वह जो वेग है सापेक्षता। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन कैसा है, ये जो लाइन है वर्षा के बूंदों का सापेक्षिक वेग आदमी के सापेक्ष जब उसकी चाल तीन किलोमीटर प्रति घंटा, ये कब है, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग है, तब ये जाके वर्षा के बूंदों का कहे सापेक्षिक वेग है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, तो ये थ्योरी के अनुसार ये लाइन कहाँ होनी चाहिए, ये लाइन जब हम समानांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे तो ये ओसी लाइन जो है विकर्ण के स्थान पर होना चाहिए। अभी तो पता नहीं चल रहा है कि कैसे विकर्ण होगा। तो देखो ये वर्षा के बूंदों का वास्तविक वेग, और जब वर्षा के बूंदों का सापेक्षिक वेग आदमी के सापेक्ष लिखेंगे तो इस वेग में से किसको वेग को घटाना है, आदमी के वेग को घटाना होगा, और आदमी के वेग को घटाएंगे तो बेटा क्या करना है, ये 3 है तो उल्टा करेंगे तो कितना होगा, माइनस। माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस करने का हमारा मकसद है कि जैसे तुम कहते हो कि 5 में से 4 को घटावे, क्वेश्चन देखो 4 को घटाने तो क्या लिखते हैं, 5 माइनस 4, ठीक उसी तरह जब इसमें से इसको घटाना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, और वेक्टर कहता है कि माइनस करने के लिए जो तीर ऐसे है उस तीर को क्या करना होगा, उल्टा ऐसे बनाना होगा, ओ बी सी डी हो गया, और ये कितना हो गया, -3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, देख लिया। अब देखो ओडी रेखा और ओबी रेखा को समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजा मानकर एक समानांतर चतुर्भुज खींचेंगे, देखो इसके समानांतर ये खींचे तो ऐसे हो गया, देखो तो -3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और इसके समानांतर खींचेंगे तो कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, देख लिया ये समानांतर हो गया। और यही लाइन देखो ये किस किसके स्थान पर हो गया, ओसी क्या होगा, विकर्ण के स्थान पर। अब इतना तो पहला, ये अभी कहां तक क्वेश्चन बना है, यहां तक, कैसे यहां तक है, देखो कैसे वहां तक है, ध्यान दीजिए। एक मनुष्य को जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर गिरती हुई मालूम पड़ती है, ये जो फिगर है अभी कहाँ तक है, यहाँ तक। अब आगे देखो क्या कहता है, बड़ी मजेदार प्रश्न है, देखो जब वो अपनी चाल बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तब बूंदे उसे ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर गिरती हुई मालूम पड़ती है, कब,
जब वो अपनी चाल बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो 3 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर कर दो और इसको फिर बढ़ा दो। इतना करो, ये 3 हो गया, यहां से कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसको ये -3 है, इसको उल्टा कर दीजिए इस साइड में, ABCDEF हो गया, ये और -3 हो जाएगा, और 3 3 कितना हो जाएगा बेटा, ये 6 इधर है तो 6 क्या होगा, इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है यहाँ तक। अब देखो, तब कराएगी जब कर देता है तब क्या करता है, अभी यहाँ तक लाइन खींचे है, जब वो अपनी चाल बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, देखो मनुष्य चाल बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 का माइनस उल्टा हो गया, तब कराए, तब बूंदे उससे ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर गिरती हुई, गिर नहीं रही है, 45 डिग्री के कोण पर गिरती हुई मालूम पड़ती है। तो यहाँ से ये वर्षा के बूंदे ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री के कोण पर गिरती हुई मालूम पड़ती है, 45। देखो ये कोण कितना हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये लाइन कितना हो गया, 45 डिग्री के कोण पर ऊर्ध्वाधर गिरती हुई मालूम पड़ती है। देखो पैंतालीस डिग्री के कोण पर ऊर्ध्वाधर गिरती हुई मालूम पड़ती है। तो अब इसको देखो, यह है अब इस जो रेखा है ये कौन सा है, ये सापेक्षिक वेग है वर्षा के बूंदों, कब, जब मनुष्य अपनी चाल बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तब। तो ये 3 था और ये माइनस कर दो 3, ये -3 हो गया। अब इसके समानांतर ऐसे कर दीजिए, आई अब क्या हो गया, EF जी हो गया, ये लाइन कैसा हो गया, ये लाइन कैसा रेखा हो गया बाबू, ये लाइन रेखा हो गया वर्षा के बूंदों का सापेक्षिक वेग आदमी के सापेक्ष, जब उसकी चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, वर्षा के बूंदों का सापेक्षिक वेग आदमी के सापेक्ष जब जब मनुष्य जब आदमी की जब आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये फिगर ही सारा चीज़ ऐसा ऐसा चीज़ें बता देगा बेटा कि किसी चीज़ के सोचने की ज़रूरतें पूरा हो जाएगी, ये सारा चीज़ बता देगा फिगर। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, वर्षा के बूंदों का सापेक्षिक वेग वास्तविक वेग बराबर व्हाट ज्ञात करना है, यही हमको ज्ञात करना है। देखिए कैसे हम उसको ज्ञात करते हैं, बहुत चीज़ें। अब देखिए,
अब देखिए तो ये पूरा 90 होता है ना, यहाँ से यहाँ 90 हो जाएगा, ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कोण 90 हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तो ये 45 है तो ये क्या होगा 45, ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 45, क्योंकि ये समकोण पर है और ये रेखा समानांतर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये 45 डिग्री हो जाएगा तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्या होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जब किसी त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो ये भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। चूंकि ओ सी डी एक समद्विबाहु समकोण समकोण त्रिभुज है, समकोण OCD ये क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसलिए GD बराबर कितना हो गया, इसलिए GC बराबर कितना हो जाएगा, OC बराबर कितना होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी कितना हो जाएगा, ये बेटा कितना हो जाएगा, जब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन, हम इस तरफ हैं तो हम इसकी लंबाई, और माइनस से मतलब है डायरेक्शन से, हल करते समय प्लस ही रखा जाता है, तो ये भी ये 3 है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ये जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अच्छा, अब हमको क्या करना है, OB का मान निकालना है, तो खुद जानते हैं 90 डिग्री पर है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OCB में पाइथागोरस परमेय से कितना हो जाएगा, OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, तो OB बराबर कितना होगा, स्क्वायर रूट OC स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, CB स्क्वायर हो जाएगा। मान को रखिए OB बराबर, ये बेटा कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर OB बराबर 9 प्लस कितना हो जाएगा, 9 आ कितना होगा, 9 दूना 18, इसको खंड कीजिए, OB बराबर हो जाएगा 3 × 3 × 2 हो जाएगा, इसलिए OB बराबर कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, 3√2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तब वर्षा की बूंदों का वेग कितना हो गया, 3√2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका दिशा कैसे निकालेंगे, मान लिया कि अल्फा कोण जो है इसका डायरेक्शन होगा, क्या होगा, और अल्फा कोण का मान निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्षा के बूंदों को वास्तविक वेग का क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगा। देखिए डायरेक्शन कैसे होता है, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि अल्फा कोण का मान हम कैसे निकालेंगे, माना कि वर्षा की
बूंदे ऊर्ध्वाधर से अल्फा कोण पर गिर रही है। अल्फा कोण पर गिर रही है, निकाल लीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ओ सी बी में टैन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, ये लंब हो गया, लंब बटा में लंब कितना है सी बी। देखो अल्फा का सामने का भुजा क्या होगा, लंब, आधार कितना हो जाएगा ओ सी, सी बी बटा में कितना हो गया ओ सी हो गया। टैन अल्फा बराबर तीन बटा में कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, क्लियर हो गया, तीन बटा में तीन। अब तक कितना हो जाएगा, कट कर वन हो जाएगा, वन कब आता है टैन में 45 डिग्री, बराबर कितना हो गया टैन 45 डिग्री, इसलिए अल्फा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। हम लिखेंगे अब कैसे, अतः अतः वर्षा की बूंदे ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर, अतः वर्षा की बूंदे ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर 3√2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गिर रही है। इतना तो क्लियर हो गया। तो देखो यह सवाल मैथमेटिकल में कोई भारी नहीं है, लेकिन सोचने के लिए मजबूर करता है। ये क्वेश्चन का हल तभी हो सकता है जब बेटा आप सीधे सीधे बनाइएगा, जब कंसेप्ट की जानकारी रहेगी तो आपको क्या होगा, इस तरह के किसी तरह के सवाल को हम बना देंगे। तो आपका ये आज के न्यूमेरिकल बना देने से आपको 5 गो न्यूमेरिकल हुआ, जिसमें 2 को तो हम बनाएं, ये आपका मोशन का जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम है आपका समाप्त होगा। जो अगला वीडियो जो अब आपका आएगा, अगला वीडियो बेटा आपका आएगा किस चीज़ का, अगला वीडियो आएगा जो अगला पार्ट होगा बल, हम न्यूटन के गति के जो नियमों को हम पढ़ाएंगे उस पर आधारित होगा। अभी अभी हम लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह आप लोगों को पढ़ाई के संदर्भ में अच्छा से अच्छा व्यवस्था बेटा किया जाए, और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छे ना अच्छे व्यवस्था आप लोगों के लिए हम देने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप लोग हिम्मत रखिए और पढ़ाई को प्रेम पूर्वक करते रहिए, हमारा यही कामना होगा। देखो दुख परेशानी हर चीज़ मनुष्य के जीवन में आता रहता है, वही बच्चा चाहे मनुष्य दुख के समय में कसौटी पर उतरता है, वही जाके आगे हर चीज़ कर सकता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ में आ गया होगा और आप लोग बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करेंगे।